कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली 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 हम आपके सामने आ चुके हैं। देखिए त्योहारों का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आया हूं आपके लिए। आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसीलिए हम आपके सामने दोबारा आ चुके हैं। देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अपने बारे में कि हम कौन है। देखिए मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, ठीक है। मैंने अपनी ट्वेल्थ क्लास 92.75% मार्क्स से कंप्लीट की थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से की थी और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं। मैंने जो है बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसे आप जो है अमेजोन पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी किताबें आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं एक मोटिवेशनल काउंसलर हूं। मैंने जो है मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग जानते भी हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए ये सब तो बातें हो गई अपनी, लेकिन अब हम बात करते हैं उसकी जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और हर किसी को पता भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है गाइस, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब देखिए अनअकैडमी आपको क्या क्या देता है। तो अनअकैडमी आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन देता है, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी की ऐप पे हैं या अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो ये वीडियो और ये पॉइंट आपके लिए है। आप जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको मिलेगा एक गेट सब्सक्रिप्शन का पॉइंट, आप उस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे प्लान पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मतलब क्या है, मतलब हमारा एक सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप उसे लीजिए। उसे लेने के बाद आप बहुत सारी चीजों का फायदा उठा सकते हो। सर जैसे क्या 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 चीजें हैं जी? सबसे पहली चीज है आपकी डेली लाइव क्लासेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने बोला डेली लाइव क्लासेस। हाँ जी, हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। प्लस लाइव क्लास के साथ साथ देखिए, इस 2020 में COVID-19 की वजह से बहुत सारे हमारे जो नोट्स है, हमारे जो स्ट्रक्चर है CBSE का, वो बहुत चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, लेकिन डोंट टेक टेंशन, हम लोगों को पता है। जी हाँ, ये जो आपका स्ट्रक्चरल कोर्स है, यहां पे आपको पर्टिकुलरली अप टू डेटेड COVID-19 के बाद जो भी अपडेट हुआ है, उससे पहले जो भी अपडेट हुआ है, अप टू डेटेड आपको नोट्स मिलते हैं, आपको वीडियोस मिलते हैं, आपको अप टू डेटेड हर चीज मिलती है। दूसरे बताऊं, अगर आपने हम लोगों का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया है या लेने वाले हैं, तो उसमें जो है आपको लाइव टेस्ट मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लाइव टेस्ट। देखिए क्या होता है ना कि मैं अच्छा कर रहा हूं, ये मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन कोई और बताए ना कि हाँ तू अच्छा कर रहा है, इसमें ज्यादा मजा आता है। अब कोई और कैसे बताएगा? टेस्ट के थ्रू। अब हमारे जो ऑफलाइन स्कूल्स हैं या नॉर्मल जहां पढ़ते होंगे, वहां पे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में दो बार टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाइव टेस्ट होते हैं। और आप कभी भी चाहो, एट एनी टाइम, आप रात के 2 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, दोपहर में बज रहे हैं, आप बोर हो रहे हो, क्या करें, टेस्ट सीरीज ओपन कीजिए, आप टेस्ट एनी टाइम टेस्ट दे सकते हैं। आप अनलिमिटेड क्विज के चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है प्लस सब्सक्रिप्शन में, वो है आपका अनलिमिटेड एक्सेस। जी हाँ, आप अनलिमिटेड जितनी मर्जी बार वीडियोस देख सकते हैं, अनलिमिटेड जितनी मर्जी बार आप नोट्स पढ़ सकते हैं, जितनी मर्जी बार आप टेस्ट दे सकते हैं। ये नहीं कि एक बार क्लिक किया और जगह होता है कि एक बार आपने वीडियो देखी खत्म, नहीं, आप अनलिमिटेड जितनी मर्जी बार वीडियोस देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स हैं, ये बात मैं हमेशा कहता हूं, आप इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स हैं। अब इंडिया का टॉप स्टूडेंट ऐसे तो नहीं पढ़ेगा, आप सीबीएसई के टॉपर बनने वाले हैं। अब सीबीएसई के टॉपर को एक टॉप एजुकेटर पढ़ाने वाला चाहिए, तो जी हाँ, हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। वो एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाते हैं, वो एजुकेटर्स जो आपके लिए, मतलब जिनको सब कुछ पता है, जो एक महारथी है, जो ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुंचे हुए अपने सब्जेक्ट में, तो जी हाँ, आपको एक टॉप एजुकेटर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन में ये मतलब मेरे पास तो ये स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी, ठीक है। इतने सारे टॉप एजुकेटर हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, एक सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड फायदे। तो सर ये पाए कैसे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए नो डाउट आपको जो है एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, आपने इंग्लिश का सोचा कि यार मुझे जो है इंग्लिश का गेट सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। आपने इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो ये नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ोगे। जी हाँ, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप साइंस साइड के बिलोंग करते हो, तो अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, तो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। आर्ट्स से बिलोंग करते हो, आर्ट्स के सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। मतलब क्या है, एक सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड फायदे, अनलिमिटेड सब्जेक्ट, जितने मर्जी आपके पास जो जो सब्जेक्ट, आप उस सब सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। देखा कितना फायदा है,
तो सर क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया, आपको जो है अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। आप ये डाउनलोड कीजिए, आपको दोनों जगह मिल जाएगी, चाहे आपके पास एप्पल फोन है चाहे आपके पास एंड्रॉइड फोन है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वहां पे साइड में एक ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, आप वो सब्सक्रिप्शन प्लान पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम ऐप, इस पर अभी आपको बताऊंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको जो दिखेगा कि आप 11th 12th में जितने जिस भी क्लास में आपने नॉर्मल फॉर्मेलिटीज जो पूरी कर ली है, उसके बाद आप जो है 24 महीने का, 12 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, अपने हिसाब से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। मैं अगर बताऊं तो भैया 12 महीने और 24 महीने में बहुत सारे फायदे हैं। जी हाँ, 12 और 24 महीने में बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं जी 12 और 24 महीने में? देखिए सर, 3 महीने बचे, 2 महीने बचे, 12 महीने का लेके क्या फायदा है? देखिए 3 महीने 2 महीने भले ही बचे हो, ठीक है, लेकिन 12 महीने का लेने से यह फायदा होता है कि भैया आप जो है अपने साथ साथ अपने छोटे भाई बंधु, ठीक है, या आपके कोई दोस्त हो, या आपको लगता है कि मुझे और जो है पढ़ना चाहिए या आपको कुछ और देखना है, तो ये 12 महीने 24 महीने का लेने के बाद सिर्फ आप नहीं, आपके फ्रेंड्स या आपके कोई भाई बंधु जो है वो भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ले लीजिए कोई से भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, आप 1 महीने का लेना चाहे 1 महीने का, 2 महीने का लेना चाहे 2 महीने का, जितने भी महीने का आप लेना चाहें उसका आप ले सकते हैं प्रॉपर। चलिए अब आगे बात करते हैं, सर आप क्या कर रहे हो, आप क्या फायदा दोगे? तो देखिए अगर आपने हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो यहां पे मतलब जिसको लिया तो वहां पे एक नीचे आता है कूपन कोड, ठीक है, आप उस कूपन कोड में डालिए RD001। क्या सुना आपने? RD001। RD स्टैंड फॉर राहुल द्विवेदी, ठीक है, RD001, 001 जेम्स बॉन्ड का नंबर, तो RD001 डालिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्या चाहिए भाई साहब, पहले ही दिन आए, आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है, और प्लस डिस्काउंट भी दे दिया। तो आप जल्दी से जाइए, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से जाइए, हाँ वीडियो देखने के बाद जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, RD001 डालिए और जल्दी से बहुत सारे अनलिमिटेड चीजों का फायदा उठाइए। अब देखिए जिस चीज के लिए हम आए हैं हम उसकी बात करते हैं। जी हाँ, आज हम आए हैं आपके एक चैप्टर की जिसका नाम है लॉस्ट ब्रेक। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर गाइस, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर, लॉस्ट ब्रेक। लॉस्ट ब्रेक, अगर इस वर्ड को पहले तोड़ा जाए तो लॉस्ट मतलब क्या होता है? खोना। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक मौसम होता है, बसंत का मौसम, जहां पे ना ही ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा सर्दी होती है। लॉस्ट स्प्रिंग इन द सेंस बसंत का मौसम खो गया। मतलब देखिए दुनिया में हरियाली बेसिकली सिर्फ नेचर में नहीं होती, दुनिया में हरियाली एक जगह और होती है, वो है बच्चे। आप लोग भी बच्चे हो, आप लोग कितने कितने हरियाली वाले बच्चे हो आप लोग। तो दुनिया में हरियाली सिर्फ और सिर्फ नेचर में ना होके एक हरियाली हमें बच्चों में भी मिलती है। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है कि हरियाली खो गई। अब किसकी हरियाली खो गई? नेचर की नहीं, बच्चों की। ये चैप्टर जो है ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं आज भी, ठीक है, इंडिया में, दुनिया में, जो अपना बचपन खो बैठे हैं, जो अपना स्प्रिंग सीजन जो है वो खो बैठे हैं, लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, हम एक एक करके सभी पार्टों को करेंगे, ठीक है। इसके लिखे जिनको लिखा है इसको, उसका नाम है एनीस जंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग। देखिए सबसे पहले पार्ट का नाम है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। समटाइम, इसी वर्ड को पकड़ते हैं, समटाइम आई फाउंड अ रूपी इन अ गार्बेज। कई बार जो है मुझे एक रुपया, दो रुपए या कुछ पैसे मिल जाते हैं गार्बेज में। अब आपको पता होगा इस गार्बेज मतलब क्या होता है, गार्बेज मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, गार्बेज मतलब होता है कूड़े का ढेर। तो कई बार जो है मुझे कूड़े के ढेर में से कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके जो मेन कैरेक्टर है गाइस उनका नाम है साहिबे आलम, ठीक है। अब मेन कैरेक्टर इन द सेंस इस पूरी कहानी में जो साहिबे आलम है वो मेन बंदा है, उसके चारों तरफ जो है कहानी घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये साहिबे आलम है, ठीक है। साहिबे आलम कौन थे, क्या थे, ये सब हम धीरे धीरे कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैंने बताया ये एनीस जंग है, ठीक है। एनीस जंग ने जो लिखा है इसको, तो नरेटर भी है ये नहीं कि कहीं और की कहानी है, ये खुद ही इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो नरेटर का नाम क्या है? एनीस जंग। और जो मेन बंदा है पार्ट वन में उसका नाम क्या है? साहिबे आलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। ये जो कहानी है गाइस एनीस जंग ने जो लिखी है, ये कहानी सीमापुरी की है। सीमापुरी, अब आपको पता होगा सीमापुरी कहां है? नहीं पता, कोई बात नहीं, बता देता हूं। सीमापुरी जो है दिल्ली के बिल्कुल कोने पे है। इवन मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरे बिल्कुल पास में सीमापुरी है। अगर मैं अभी पैदल में निकलूं तो मैं 10 मिनट में सीमापुरी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो सीमापुरी हमसे बहुत पास में ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट बॉर्डर पे रहता हूं मैं भी, ठीक है। तो सीमापुरी की कहानी है गाइस ये। अब सीमापुरी में क्या है कि लेखिका जो है एक बार देखती है कि यार सुबह जो है ना यहां पे बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं। हाँ,
ये बच्चे मॉर्निंग बर्ड की तरह आते हैं, मॉर्निंग बर्ड। उस टाइम पे आपको पता होगा, आप तो खैर नहीं होता ये, लेकिन दिल्ली में नहीं होता, बाकी बहुत सारे स्टेट्स में होता है कि सुबह जो चिड़िया निकलती है, आवाज आती है चिड़ियों की, तो ये जो बच्चे हैं ये सुबह मॉर्निंग बर्ड की तरह निकलते हैं। अब कौन से बच्चे, ये ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, ये बच्चे जो है कूड़ा बीनते हैं। हाँ, ये बच्चे कूड़ा बीनते हैं, लेकिन ये बच्चे बड़े खुश रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये क्या ही ढूंढते हैं कूड़ा में, ठीक है, तो बड़े खुश रहने वाले बच्चे हैं। उसी में से मुझे एक बच्चा मिलता है, ठीक है, मैं उसको पकड़ लेता हूं, मैं कहा भाई इधर इधर इधर, भाई तू ये काम क्यों करता है? तो मुझसे कहता है, जी मैं ये काम, जी मैं कोई और काम कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं ये काम करता हूं। चलिए तो ठीक है, तू काम ही क्यों करता है, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? हाँ तू स्कूल जा, स्कूल जाएगा तो आखिर यहां पढ़ाई वढ़ाई होगी, तू स्कूल जा। तो वो कहता है, जी स्कूल, हाजी मेरे आसपास ना कोई स्कूल ही नहीं है, क्या जाऊं मैं स्कूल? अच्छा तेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, अगर मैं स्कूल बना के दूं तो तू जाएगा? जी अगर आप स्कूल बना के दो तो मैं पक्का जाऊंगा। तो लिखे कहते ठीक है, बहुत जल्दी जो है स्कूल बना के तुझे दे दूंगी। फिर लड़के द्वारा मिलता है, मैम मैम ने स्कूल बना क्या? अभी नहीं बना, लेकिन हाँ बहुत जल्दी स्कूल बन जाएगा, जैसे ही बनेगा मैं बता दूंगी। बच्चा दोबारा मिलता है, मैम मैम वो स्कूल बना क्या? अरे मैंने कहा ना स्कूल बनने में टाइम लगता है, जिस दिन बनेगा उस दिन मैं बता दूंगी। मुझे बोलते हुए बड़ा बुरा फील लगता है, क्या मैंने बच्चे से जो है एक झूठा वादा कर दिया कि जब स्कूल बनेगा मैं बता दूंगी, पर मुझे पता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं, स्कूल बनेगा नहीं। अब फिर मैं उस बच्चे से दोबारा पूछती हूँ कि अच्छा ये बता तू रहता कहाँ है? जी मैं तो यहीं पास में रहता हूँ, लेकिन पहले जो है हम बांग्लादेश में रहा करते थे। जी हाँ 1971 में मेरे मम्मी पापा जो हैं वो मुझे बताते थे कि हम लोग बांग्लादेश से यहाँ पे या इंडिया में आए हैं। अच्छा बांग्लादेश में कहाँ रहते थे? जी ढाका में। देखो बच्चों को इतना सब कुछ पता है, तो तुम बांग्लादेश से यहाँ क्यों आए हो? अजी वहां हमारी खुद की जमीनें भी थी, खुद का घर भी था, लेकिन एक सेकंड तुमने क्या बोला, तुम्हारी खुद की जमीनें थी? अरे तुम तो बड़े पागल हो, तुम्हारी खुद की जमीनें थी, तुम्हारी खुद का घर था, तुम खुद की जमीन खुद का घर छोड़ के आ गए, क्यों आए हो? अजी बता तो रहा हूं, हमारी खुद की जमीनें थी, खुद का घर था, लेकिन हम वहां पे पेट भर के खाना नहीं खा पाते थे। एटलीस्ट यहां इंडिया में पेट भर के खाना तो खा पाते हैं, कई बार वहां बाढ़ आती थी तो हमारे सारी जमीन सारी खेती जो उजड़ जाती थी, तो इंडिया में हम कम से कम एक वक्त का खाना खा पाते हैं, इसलिए हम यहां रहते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात फिर मैंने उससे एक दिन पूछा, नॉर्मली पूछा मैंने कि एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है जो तुम्हारा नाम है वो है क्या? तो बड़े ही प्राउडली मुझसे कहता है, जी मेरा नाम साहिबे आलम है। क्या नाम बताया तुमने? जी साहिबे आलम। अरे तुम्हें साहिबे आलम का मतलब भी पता है? जी नहीं, मम्मी पापा ने नाम रख दिया और मैं यही नाम बोलता हूं सबसे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ जाओ साहिबे आलम। इस बच्चे को पता भी है साहिबे आलम कितना भारी नाम लेके चल रहा है ये। साहिबे आलम का मतलब भी क्या होता है? साहिबे आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। और ब्रह्मांड का मालिक बिल्कुल अजीब सा है भाई, ब्रह्मांड का मालिक कूड़ा तो नहीं बनता होगा। तो इसका नाम और इसका काम बिल्कुल अपोजिट है, ये अपने आप को कहता है ब्रह्मांड का मालिक है पर भैया ये बिन रहा है कूड़ा। खैर इसका नाम जिस जिंदगी में कभी शायद पता नहीं उस मुकाम तक पहुंचना पाए, तो इसका नाम इसके काम से बहुत अलग है, बहुत कॉन्ट्रास्ट है। खैर ये सब तो बातें हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं बड़ा दुखी रहती हूं, ठीक है, इन बच्चों को देख के कि ये पेट भर के खाना नहीं खा पाते। साहिब आलम ने कितने दर्द भरी चीजों में कहा कि एटलीस्ट हम यहाँ खाना तो खा पाते हैं, मतलब जहां ये रहते थे वहां खाना भी नहीं खा पाते थे, और अभी भी मुश्किल से ये लोग जो है एक वक्त का खाना जुटा पाते हैं, बहुत मुश्किल से। अब एक दिन क्या होता है कि मैं रोज सुबह देखती हूँ बच्चों के गैंग को जो रोज सुबह जो है ऐसी मॉर्निंग वॉक की तरह आते हैं, कूड़ा बीनते हैं फिर चले जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता था इनको देख के, इनके चेहरे को देख के, इनके चेहरे पर हमेशा रौनक रहती थी, ठीक है, भले ये कुछ भी काम करते हैं लेकिन ये खुश रहते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे झुंड को बुला लिया, मैं कहूं बाल बच्चा पार्टी इधर इधर आओ, अरे तुम मुझे एक बार बताओ तुम सभी के सभी चप्पल क्यों नहीं पहनते, बिना चप्पलों के क्यों हो? हाँ भाई तू बता तू चप्पल क्यों नहीं पहनता? तो मैंने पूछा इससे, जवाब दिया इसने, जी मैम ये इसका चप्पल तो इसकी मम्मी ने टाड़ पे फेंक रखा है, और ये और ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मी टाड़ पे नहीं फेंक रखा, मेरा खुद मन नहीं करता। अरे चल झूठ मत बोल, तू झूठ मत बोल, अरे बस बस लड़ो मत, तूने भी नहीं पहन रखा,
जी मैंने, क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं करता चप्पल पहनने का, मुझे ऐसी अच्छा लगता है। ऐसी अच्छा लगता है? हाँ हाँ हमें ऐसी अच्छा लगता है, हाँ हाँ हमें ऐसी अच्छा लगता है। बस 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 बस, तूने क्यों नहीं पहन रखा? अजी मेरा बड़ा मन है चप्पल पहनने का, मेरा बड़ा मन है जूते पहनने का, पर बस है ही नहीं, बहुत मन करता है पहनने का। अच्छा, और मैम मैम देखो मैंने पहन रखा है। अरे तूने जूते पहन रखे? हाँ देखो किसने नहीं पहन रखे, पर मैंने पहन रखे हैं, ये बच्चों में से कोई एक बोलता है। लेकिन तेरे जूते तो अलग अलग है, एक किसी और कलर का है, किसी और कलर का है, क्या फर्क पड़ता है मैम, एटलीस्ट मेरे पास जूते तो हैं, इनमें से किसी के पास तो वो भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं नोटिस करती हूँ बच्चे बड़े खुश होते हैं बिना चप्पलों के, लेकिन मैं नोटिस करती हूँ कि ये जो बच्चे ऐसे रोडों पे घूमते हैं बिना चप्पलों के, ये ऐसा नहीं है कि इनका मन नहीं करता होगा, ऑब्वियसली बात है मन तो करता ही होगा, ठीक है। लेकिन एक बार चेक करने के लिए मैंने भी जो है एक दिन के लिए अपनी चप्पल अपने जूते त्याग दिए, मैंने भी सोचा कि मैं भी जो है बिना चप्पलों के घूम के देखती हूँ कैसा लगता है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, ये सब पागल बना रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सच में बिना चप्पलों के, भी है मेरे बस की तो है नहीं, इवन बहुत गंदा लगता है, अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो ऐसा नहीं है आदत पड़ चुकी है, नो डाउट इनको आदत पड़ चुकी है, लेकिन किस लिए आदत पड़ चुकी है? क्योंकि ये गरीब है, इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये चप्पल खरीद सके। तो ऐसा नहीं है इनको बिना चप्पल में मजा आता है, चप्पल इनको मिलती जरूर पहनते। तो गाइज इनके चप्पल ना पहनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो क्या? वो है इनके पास पैसों का ना होना, इनका गरीब होना, ठीक है। तो ये एक बात हो गई पेपर में। अब लेखिका इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, वो एक कहानी बताती है, ठीक है। अब वो कहानी मैं आपको बताता हूं। अरे तुम्हें पता है, मुझे याद है एक गांव की बात, एक गांव में, देखो ये लेखिका ना कहानी के अंदर एक कहानी बता रही है, ठीक है। वो लेखिका के वॉइस में मैं बोल रहा हूं कि वो गांव की कहानी बता रही है कि एक बार ना गांव में एक पुजारी था, मैं किसी गांव में रहा करती थी काफी साल पहले, तो मतलब दोस्त के पास थी मैं, तो एक गांव में एक पुजारी था, उस पुजारी का एक बेटा था, वो भगवान से रोज प्रार्थना करता कि हे भगवान मुझे जो है एक जोड़ी जूते दिखा दो, प्लीज मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो, भगवान से रोज प्रार्थना करता पुजारी का बेटा। खैर काफी टाइम बाद जो है मैं उस गांव में दोबारा गई, तो मैं क्या देखती हूं, मैं देखती हूं कि पुजारी चेंज हो चुका है, पुजारी का बच्चा नो डाउट चेंज हो चुका है, और उस बच्चे के पास एक अच्छे जूते हैं, एक अच्छे कपड़े हैं। तो उस गांव में उस बच्चों की कंडीशन चेंज हो गई है, पर मुझे लगता है कि यहां इन लोगों की कंडीशन कभी आज तक चेंज ही नहीं हुई, और मुझे लगता है चेंज हो भी नहीं पाएगी। खैर बात करती हूँ सीमापुरी की, सीमापुरी जहां मैं रहती हूँ, ठीक है, रहने आई हूँ। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो बहुत ही बेकार जगह है, दिल्ली के आउटस्कर्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे गंदगी आपके सामने है, यहाँ पे गंदगी बहुत होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है लोग, हर दूसरी फैमिली जो है कूड़ा बिनने का काम करती है। अगर सीमापुरी पे रहना है तो मतलब रैक पिकिंग करनी है, ये एक स्टेटमेंट गाइस पेपर में भी आता है, सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, सीमापुरी का मतलब रैक पिकिंग। सीमापुरी सिर्फ और सिर्फ कूड़ों के ढेर के लिए, कूड़ों के लिए, कूड़ा बिनने वालों के लिए, रैक पिकर्स के लिए बहुत फेमस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनकी कंडीशन बहुत बेकार है, नहीं, ये बहुत ही बेकार घरों में रहते हैं, बहुत ही बेकार घरों में, इनकी स्थिति बहुत बेकार है। ये वहां चबूतरे वाले घर में रहते हैं जिसकी तीन की टारपुलिन होती है, तीन इन द सेंस की लाइक टीन की होती है ना, नीली टारपुलिन होती है। आप कभी बस्ती में गए हो या आपने कभी धारावी देखी हो, तो धारावी में ऊपर जितनी भी छतें होती हैं वो नीले कलर की पन्नी से रैप होती हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि या तो टारपुलिन से या टीन से जो है इनकी छत होती है, बहुत बेकार इनका घर होता है, हाथ से घर बनाते हैं ये लोग, चबूतरे जैसा घर होता है, और कुछ लोगों के तो घर भी नहीं होते, तंबू होते हैं। तो इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही बेकार है, वहीं नाली निकल रही है, वहीं नाला निकल रहा है, उन्हीं में वो रह रहे हैं, वहीं जानवर भी हैं, वहीं इंसान भी रह रहा है। तो ऑलमोस्ट इनकी जो देखने की हालत ही नहीं है, बहुत ही बेकार रहते हैं ये लोग। इवन मैंने इन लोगों से पूछा कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, तो इन लोगों के पास आइडेंटिटी भी नहीं है। जी हां, इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है। काहे को राशन कार्ड, काहे को है राशन कार्ड? सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए है कि वो चीजों को मतलब बेसिकली वोट दे सके और खाना वाना खरीद सके। तो आप समझ सकते हो कि उनके पास राशन कार्ड कैसे मिला, सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए। तो वोट बैंक की राजनीति यहां पे खेली गई है, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए राशन कार्ड है, वरना इनके पास कोई भी पहचान पत्र, वैलिड पहचान पत्र नहीं है, ठीक है। अब भाई साहब इनके इनके पास खाने को नहीं है, ठीक है। अब मैंने नोटिस किया है कि रैक पिकर्स जो है सीमापुरी के, ये एक अलग दुनिया में जीते हैं। हाँ, इनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल अलग दुनिया की है, ठीक है। अभी इस पे बात करेंगे जो अभी खुला है, ठीक है। इसकी जिंदगी जो है बिल्कुल अलग है। कैसे? सीमापुरी में रहने वाले रैक पिकर्स एक माया जाल में रहते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं,
सीमापुरी में रहकर्स एक माया जाल में रहते हैं। हाँ, कैसे? चैप्टर का नाम क्या है? समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। कई बार जैसे बच्चे ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कई बार जो है उनको कूड़े के ढेर में से एक रुपया मिल जाता है, कई बार ज्यादा मिल गया तो सोने का सिक्का मिल जाता है, बहुत ज्यादा मिल गया तो भैया सोने का सिक्का, सोचिए चांदी के सिक्के मिल जाते हैं, 10 रुपए मिल जाते हैं। तो ये माया जाल है। माया जाल कैसे कि अगर मुझे कहीं 10 रुपए का नोट मिला है तो जब भी मैं उस रोड से निकलूंगा मुझे याद रहेगा कि यहां पे मुझे 10 रुपए का नोट मिला था या 500 का नोट मिला था, अगर मेरे लिए 10 रुपए का नोट वैल्यूएबल है। तो बच्चों के लिए कूड़ा क्या है? सिर्फ और सिर्फ जिंदगी जीने का साधन नहीं है, उनके लिए माया जाल है कि उनको कुछ अच्छी चीज मिल गई वो बड़े खुश हो गए, फिर दोबारा कभी अच्छी चीज मिल गई। तो कूड़ा माया जाल कैसे है कि उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि मैं और ढूंढूं और कुछ अच्छा मिले, कॉम्पिटिशन बढ़ जाते कि देख मुझे ये मिला तुझे वो मिला। तो बच्चों के लिए क्या है ये? बच्चों के लिए कूड़ा एक माया जाल है। गाइस पेपर में आता है, ठीक है, कि कैसे बच्चों के लिए जो है फॉर चिल्ड्रंस इट्स अ रैप इन वंडर, ठीक है, या गार्बेज इज अ रैप इन वंडर एक्सप्लेन, कि बच्चों के लिए गार्बेज जो है कूड़ा कैसे है, सॉरी कूड़ा जो है गार्बेज जो है वो माया जाल कैसे है, कैसे है कि उनको जाता है तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि और मिलेगा, लाइक कभी सोने का सिक्का, कभी चांदी का सिक्का, कभी 2 रुपए, कभी 1 रुपए, कुछ भी मिल गया तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, इसलिए उनके लिए क्या है, ये माया जाल है। अब अगर आगे बताऊं मैं आपको, लेकिन बड़ों के लिए माया जाल नहीं है, बड़ों के लिए जिंदगी जीने का साधन है। बड़े जो है कूड़ा किस लिए बनते हैं? इसलिए नहीं कि उनको भी उम्मीद हो अरे आज कुछ मिल गया, नहीं, तो वो वैल्यूएबल चीजें निकाल के पैसे कमा सके। तो फॉर एडल्ट इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जिंदगी जीने का साधन है, एंड फॉर चाइल्डहुड या फॉर चिल्ड्रन इट्स अ रैप्ड इन वंडर। वेरी गुड गाइस, इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब एक दिन क्या होता है, आपको याद होगा उस लड़के के बारे में जिसका नाम था साहिबे आलम, ठीक है, एक दिन क्या होता है, साहिबे आलम जो है एक टेनिस कोर्ट के बाहर लोगों को टेनिस खेलते हुए देखता है। ऐसे देखिए, इसकी आंखें देखिए कितनी, मतलब ये आंखें देखिए कितनी प्यारी आंखें हैं, ठीक है, ऑब्वियस बात है रियल फोटो नहीं है पर कुछ ऐसे ही रहा होगा साहिबे आलम। तो साहिबे आलम जो है टेनिस कोर्ट के बाहर जो है एक फील्ड के बाहर जो है ऐसे देख रहा होता है टेनिस खेलते हुए। मैं एनी जंग, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं कहा यार बच्चों कितनी कितनी मतलब उम्मीदें होंगी, कितनी इसको लालसा होगी कि ये भी जो है ऐसे ही टेनिस खेलते हुए, मतलब ये भी टेनिस खेले, ये भी जो है चीजों को ऑब्जर्व करे, खेले, मनोरंजन ले, इसका बड़ा मन करता होगा ना। आओ एक काम करते हैं, साहिब आलम से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि तेरे मन में क्या चल रहा है। अरे साहिब, ओ साहिब, इधर इधर इधर, अरे तू क्या देख रहा है ये, तुझे भी टेनिस खेलना है? नहीं, मुझे टेनिस नहीं खेलना है। तुझे टेनिस नहीं खेलना, यहां क्या देख रहा है ऐसे ही? अरे वो क्या है ना, मुझे गेम समझ में भी नहीं आता, मुझे बस देखना पसंद नहीं है। गाइस होते हैं ना बहुत सारे लोग जिनको गेम देखना पसंद है खेलना पसंद नहीं है, तो मुझे बस देखना पसंद है खेलना पसंद नहीं है। इवन जब यहां से, मतलब इंग्लिश में नहीं बात करता, जब यहां से ये चले जाएंगे ना तो जो चौकीदार अंकल है वो हमारे गुजर ही रहते हैं हमारी बस्ती की तरफ, तो ये मुझे अंदर घुसने देंगे, मैं झूला झूल सकूंगा इस फील्ड का और भी, ग्राउंड का और भी मजे ले सकूंगा, तो मैं तो बस यहीं खड़ा रहता हूं कि जब वो जाएंगे तो चौकीदार अंकल मुझे अंदर घुसने देंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा, मतलब तेरा खेलने का मन नहीं करता? नहीं, मेरा मन नहीं करता। गाइस एक दिन क्या होता है, अगले ही दिन साहिब आलम को एक जूते मिल जाते हैं, टेनिस शूज मिल जाते हैं, ठीक है। अब साहिब आलम बड़ी खुशी से मेरे पास आता है, मैन देखिए मुझे ना जूते मिले हैं, टेनिस शूज मिला है। अरे वाह, लेकिन ये क्या, ये तो बड़े गंदे हैं। हाँ मैम, ये बड़े गंदे, किसी ने फेंक दिया होगा, मैंने ले लिया। अरे लेकिन इसके ऊपर तो छेद भी हो रखा है, तो क्या हुआ मैम, इसके ऊपर छेद हो रखा है तो क्या, मेरे पैर में तो आ रहा है ना, और देखिए मेरा सपना पूरा हो गया, ये मेरा ड्रीम्स कम ट्रू हो गया, मेरा सपना था ये कि मुझे भी जो है टेनिस शूज ऐसे मिले, ठीक है, और मुझे मिल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मतलब गाइस वो जो है नोटिस करती है एनी जंग कि बच्चे के लिए फटे हुए जूते इतने इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका सपना पूरा हो गया, उसको मैटर नहीं करता कि जूते गंदे हैं या फटे हुए हैं या क्या है, उसके लिए ये कि भैया बहुत बढ़िया चीज मुझे मिल गई है, ठीक है। तो ये एक पार्ट पेपर में आता है बेयरफुट्स के ऊपर कि कैसे बच्चों के लिए चप्पल इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक दिन क्या होता है साहिब आलम बिल्कुल गायब हो जाता है, दिखता ही, अब साहिब आलम दिखता नहीं है बहुत दिन हो गए, फिर एकदम से जो है साहिब आलम मुझे दिखता है अलग ही ड्रेस में, कुछ अलग कपड़े पहन रखे हैं, उसके हाथ में वो कूड़े का बैग नहीं है, उसके हाथ में कुछ अलग ही चीज है, इसके हाथ में चाय की केतली है। मैं से बुलाता हूं, अरे साहिब इधर इधर इधर, तू कहां है आजकल? जी मैम, मैं तो यही हूँ चाय की दुकान पे काम करता हूँ। है
तू तो पहले कूड़ा गिनता था। जी हाँ, वो काम मैंने छोड़ दिया और अब मैं चाय की दुकान पे काम करता हूं। मुझे जो मेरा मालिक है वो 800 रुपए देता है और दिन का खाना देता है। अरे लेकिन तू तो मतलब ये सब क्यों? नहीं मैम, बस मैं खुश हूं। मैम तू खुश है? हाँ मैम मैं खुश हूं। चलो ठीक है, जाओ जाओ। अच्छा मैम मैं ना लेट हो रहा हूं, मैं जाता हूँ। ठीक है जाओ 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 जाओ। तो साहिब जब जा रहा होता है तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि जो साहिब ने एक उठा रखा है स्टील का कनेस्टर, ये जो है ज्यादा भारी है इन कंपेयर उस बैग से जो बहुत हल्का था। मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि ये स्टेटमेंट है कि स्टील का कनेस्टर जो है वो साहिब आलम को भारी लग रहा है या देख रहा है इन कंपेयर उस भारी बैग के जो देखने, क्योंकि वो भारी बैग जो था वो साहिब आलम का खुद का था और ये जो स्टील का कनेस्टर है ये साहिब आलम का नहीं है, ये उसके मालिक का है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अब ये अपना मालिक नहीं रहा। अभी तक तो ये खुश रहा कर अपनी जिंदगी जीता था, बचपन जीता था बेसिकली, भले गरीब हो या अमीर हो, लेकिन अब जो है ये काम करने लगा है तो अब जो है ये अपना मालिक नहीं रहा। अब सच में जो स्प्रिंग था वो लॉस हो चुका है। तो पहले जिस वो बैग को उठाया करता था वो उसका खुद का था, लेकिन अब जब वो स्टील कनेक्शन को उठाता है तो वो किसी और का है। ठीक है, यही कहानी है गाइज। लेकिन सुनो, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है तो ये फर्स्ट पार्ट है गाइज। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो लाइक कर दीजिए। अभी पार्ट टू भी इसी वीडियो में आएगा। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है गाइज। ठीक है, यही, और जल्दी से जो है एक बार कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो, मैं पीछे ही देख रहा हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। ठीक है, पार्ट टू पे। ये जो पार्ट टू है गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ऑब्वियस बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, और इस पार्ट का नाम है I want to drive a car। ठीक है, ये भी इंडियन कहानी है। एनी जंग, क्योंकि इंडियन लेखिका है तो ऑब्वियस बात इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, इंडिया के बच्चों के बारे में लिखा है। कहानी में जो मेन करेक्टर है वो है मुकेश। ठीक है, उसमें कौन मेन था? साहिब आलम। इसमें कौन मेन है? मुकेश। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कहानी। ये कहानी फिरोजाबाद की है। कहां की है जी? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है इंडिया में पड़ता है। फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है अगर मैं आपको बताऊं तो फिरोजाबाद ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। इसका मतलब फिरोजाबाद में कांच की चीजें बहुत बनती हैं, और फिरोजाबाद में जो सबसे ज्यादा बनती है वो है जी आप, जी हाँ, बैंगल्स, चूड़ियां। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा जो है चूड़ियां बनती हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा हर गली मोहल्ले में, हर तरफ जो है आपको साहिब आलम, सो कॉल साहिब आलम कह रहा हूं, मुकेश के राज्य में फिरोजाबाद में आपको चूड़ियों का कारोबार इजीली दिख जाएगा। अब एक दिन क्या होता है कि मैं एक लड़के से मिलता हूं जिसका नाम होता है मुकेश। तो मैं उससे पूछती हूं, अरे मुकेश, ठीक है, ये भी चूड़ियों का, देखिए आप देख सकते हो कि साहिब फिरोजाबाद में क्या है कि हर जगह चूड़ियों का स्पाइरल जो है मिल रहा है। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे अभी दोबारा से। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है कि ये भी वही हुआ है क्या कि हर गली मोहल्ले में हर जगह जो है सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां बनाने का काम होता है। एक दिन क्या होता है, मैं एक लड़के से मिलती हूँ, उसका नाम होता है मुकेश। तो मैं उस मुकेश से पूछती हूँ कि अरे मुकेश इधर आ, इधर आ। मतलब मुझे उसका नाम नहीं पता होता बेसिकली, फिर भी मैं उससे पूछ लेती हूँ कि भाई तू क्या करता है? तो मुझे बताता है, जी मैं चूड़ी बेचने का और चूड़ी बनाने का काम करता हूं। अच्छा, तो मैं सेम जिस तरीके से मैंने साहिब आलम से पूछा था, मैं से पूछती हूं कि तू कोई और काम क्यों नहीं कर लेता? जी हाँ करूंगा ना मैं। अरे वाह, तू करेगा? क्या करेगा? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मतलब कहानी की एंड में देख, तो मैं साहिब आलम से पूछती हूँ, बार बार साहिब आलम आ रहा क्योंकि नाम बड़ा प्यारा लगता है मुझे। ठीक है, तो मैं मुकेश से पूछती हूँ कि भैया मुकेश ये बता कि तुम रहते कहाँ? तो मुकेश में कहता है, जी मैं तो इसी यही गली में रहता हूँ, यही पास में रहता हूँ। ठीक है, और पता है आपको, हमारा ना खुद का घर भी है। अरे वाह, तुम्हारा खुद का घर है? हाँ जी, और बैंगल मेकर्स का खुद का घर नहीं है, हमारा खुद का घर है। अरे वाह, तो मुझे बुलाओगे अपने घर पे? हाँ जी जरूर, आप मेरे घर पे जल्दी जरूर चलिए। मुकेश के घर पे जाती हूँ, मैं कहता हूँ साहिब आलम ना मुझे बड़ा प्यार लगता है। ठीक है, जब भी मैं चपक जाता हूँ मैं साहिब आलम में खो जाता हूँ। तो मैं जो है मुकेश के घर पे जाता हूँ। ठीक है, अब जब मुकेश के घर पे जाती हूँ मैं, तो मैं क्या देखती हूँ कि पूरी की पूरी फैमिली, मतलब पहले तो घर की बात करूं मैं, तो भाई साहब घर नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ वो तो कह रहा था घर है नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब क्या? मतलब कितना ही घटिया घर है, हाथ से बनाया हुआ, ऐसी ईंटों लकड़ियों में डाल रखा है। ठीक है, वहीं जानवर है, वहीं पे आदमी रहते हैं, वहीं पे गंदगी है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा घर जो है
बेकार तरीके से बनाया गया है, ठीक है, बहुत गंदगी से बनाया हुआ है, बहुत स्मेल आती है उन घरों में से, उन गलियों में से, फिर भी जो है मैं उस घर में घुसती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वहां पे मुकेश, मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश के फादर, ठीक है, ये रहते हैं, तीन वो हैं, और उसी में एक मुकेश के बड़े भाई की बीवी, सो कॉल मुकेश की भाभी रहती है। तो ये एक इकलौती महिला है जो इन तीनों सो कॉल मेल फैमिली मेंबर को चला रही है या वो बना रही है। तो मैं देखती हूँ इन सभी लोगों को, तो ये जो है बहुत ही स्पिरिचुअल स्टेट में रहते हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, बहुत ही सो कॉल दुख भरे तरीके से काम करते हैं, महिलाएं बहुत दुख भरे तरीके से काम करती हैं। तो क्या होता है, उसी में से मुझे एक लड़की दिखती है, ठीक है, जिसका नाम होता है, ये देखिए उसका घर है साहिब आलम का, मतलब बेसिकली एक नॉर्मल फोटो है जिसमें उसका घर दिखा रखा है, ठीक है। तभी मुझे एक लड़की दिखती है, सविता, उन्हीं महिलाओं में ये सबसे यंग है, सबसे यंग, अब ये भी चूड़ी बनाने का काम कर रही है। तो मैं अपने मन में सोचती हूं कि क्या इस लड़की को, इस मासूम लड़की को पता होगा ये क्या बना रही है, क्या इस मासूम लड़की को इसकी वैल्यू पता होगी, क्या है इस वैल्यू चूड़ी की। लोग कहते हैं कि भैया ये जो है सुहाग है, औरतों का सुहाग है ये, तो क्या इसको पता है सुहाग क्या होता है, क्या इसको पता है कि इसके हाथ में दुनिया का कितना पवित्र चीज है। और अगर इसे नहीं पता तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे समझ में आते हैं कि कहीं ना कहीं बाल विवाह जो है वो भी प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोट इन सेंस कि उस टाइम पे बाल विवाह भी होते होंगे। कैसे पता चला कि जो मुकेश का बड़ा भाई था वो ज्यादा बड़ा नहीं था और जो भाभी थी वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक है, तो बचपन में उनकी शादी हो गई होगी। तो ये जो सविता की कहानी यही है कि भैया सविता को देख के उसको लगता है, बुरा फील होता है कि ये बच्ची काम कर रही है और वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए, इसको कुछ और काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ और काम क्यों ही करना चाहिए। तो तभी जो है, तभी एकदम से मैं इससे पूछती हूँ, तभी जो है देखिए अभी इस पे बात करेंगे हम लोग, तभी जो है उसकी दादी माँ मिलती है। किसकी दादी माँ? मुकेश की दादी माँ, ठीक है। अब मुकेश की दादी माँ एकदम से कहती है कि ये हमारा कर्म है, इंग्लिश में कर्मा है, हिंदी में कर्म है, ये हमारा कर्म है। है जी, क्या ये हमारा कर्म है? आप कौन? मैं मुकेश की दादी। अच्छा दादी जी, ठीक है दादी जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, मैं कह रही थी कि ये हमारा कर्म है, हमें यही करना चाहिए, ठीक है, हम कुछ और नहीं कर सकते। क्यों आप कुछ और क्यों नहीं कर सकते? अरे क्योंकि ये जो लोग है ना, ये लोग कुछ और करने नहीं देंगे, ये समाज है, दुनिया है, मतलब गाइस आगे देखेंगे क्या कहना चाह रही थी वो, ठीक है। तो दादी जी आप एक सेकेंड, आप अंधी हैं क्या? हाँ हम भी अंधा हूं, और जो हमारे हस्बैंड थे ना उनको भी मैंने अपनी आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा है, और एक दिन जो है, एक दिन ये मुकेश के जो पापा है वो भी अंधे हो जाएंगे, और एक दिन हमारा मुकेश भी अंधा हो जाएगा। है तुम क्या बोल रही हो ये, कि आप अंधी हो, आपने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है, आप मुकेश के फादर भी अंधा होने वाले हैं और एक दिन मुकेश भी अंधा हो जाएगा, ऐसा कैसे? तो भैया ये अंदर देख लो। अब वो अंदर जाती है रूम के, क्या देखती है गाइस कि बिल्कुल ही अंधेरी रूम है, डिमनी सेल है, ठीक है, बिल्कुल ही डिम क्लास वो है रूम है। तो उस डिम रूम में, ठीक है, बहुत ही दयनीय व्यवस्था में, ठीक है, दयनीय अवस्था, व्यवस्था एक ही बात है, उसमें जो है लोग काम कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। आप देखिएगा ग्लास जब पिघलाया जाता है या बैंगल्स को जब पिघलाया जाता है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाता है, ठीक है। तो वो जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक तो हाई टेम्परेचर, हम लोग ट्यूबलाइट को नहीं देख सकते हैं बहुत देर तक, वो आग को देखते हैं बिना उसके किसी प्रोटेक्शन के। तो हाई टेम्परेचर पे वो बैंगल्स को पिघला रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है वो हाई टेम्परेचर आंखों पे चढ़ रहा है। दूसरी चीज कि भैया जब ग्लास मेल्ट होती है या ग्लास को जब पिघलाया जाता है तो उसके कर जो है वो आंखों में चुभते हैं, तो ये एक रीजन है बहुत बड़ा जिसकी वजह से लोग अंधे हो जाते हैं। अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जिसके ऊपर टॉपिक बहुत लंबा है, वो ये है कि फिरोजाबाद में रहने वाले बैंगल्स की कंडीशंस क्या है। तो लेखिका कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि ये लोग जो है बहुत ही बेकार, सेम कहानी उस तरीके से जो साहिब आलम की कहानी में था, क्या कि ये लोग तो बहुत बेकार व्यवस्था में रहते हैं, घर नाम की इनके पास कोई चीज नहीं है, ठीक है, जिनके पास घर है वो बहुत बेकार घर है, तंबू घर रखे हैं, ठीक है, ये वहां अपना घर गा लेते हैं जहां पर इनको खाना मिल जाता है, ठीक है, तो इनके घर ज्यादा अच्छे नहीं है। इवन ये लोग जो है मुश्किल से पेट भर के खाना खा पाते हैं, मुश्किल से पेट भर के, मतलब मुझे लोगों ने बताया था कि हमने जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया आज तक, हमने जिंदगी में कभी प्रॉपर कपड़े नहीं पहने। अब आप सोच लीजिए कि इनकी पुश्तैनी काम कर रहे हैं लोग,
पापा, पापा के पापा, उसके पापा, ये लोग, मतलब उनकी जनरेशन जो है बैंगल मेकिंग में काम कर रही है, और इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है कि भैया मुश्किल से हमें एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता। तो भाई ये काम करते क्यों है? अभी मैंने बताया कि उसने बोला था कि हम चाह के भी ये काम छोड़ नहीं सकते। तो मैंने लोगों से पूछा कि तुम कोऑपरेटिव कुछ कर लो, कुछ और काम ढूंढ लो। तो लोगों ने कहा अरे वो करने नहीं देंगे। कौन करने नहीं देगा? ऐसे कौन लोग हैं जो करने नहीं देंगे गाइस? तो वो लोग हैं आपका वीसीएस सर्कल। जी हाँ, आपने बहुत सही सुना, वीसीएस सर्कल। अब वीसीएस सर्कल क्या होता है मैं आपको बताऊं तो वीसीएस सर्कल इस कहानी में बताया गया है कि एक ऐसा सर्कल जो टूटेगा नहीं, अटूट सर्कल। मतलब जिन्होंने इन बैंगल मेकर्स को दबा रखा है, जिन्होंने इन बैंगल मेकर्स को मजबूरी काम में घुसेर रखा है, वो क्या चीज है जी? वो है आपका पुलिसमैन, साहूकार, पॉलिटिशियंस, ठीक है, और भी मनी लैंडर्स या और भी बहुत सारे लोग जो है जो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं कि भैया आपको यही काम करना है। सर समझ में नहीं आया, एक बार और समझाओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू, जो इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए वीसी सर्कल क्या है ये। सपोज करते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, मैं बैंगल मेकिंग का काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैंने जो है मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैं अपने मालिक के पास गया, मालिक से कहा मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो। मालिक ने कहा ठीक है, ये लो पैसे। अब उसका ब्याज लगा दिया, अब मैं इतना कमाता ही नहीं हूँ, पूरी जिंदगी ब्याज देने में निकल गई। अब भैया मालिक का मालिक निकल गया, मालिक के मालिक आ गए, पुलिसमैन आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो ये सभी लोगों ने ना जानबूझ के हमें इस जगह घुसेड़ रखा है कि भैया आपको यही काम करना है। इवन 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 कुछ लोगों ने कोशिश की थी, कुछ टेलर थे, कुछ थे, कुछ लोगों ने कोशिश की हम कुछ और करें, तो इनको पुलिस वालों ने बहुत मारा कि आप ये काम नहीं करोगे, ठीक है, जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारा जो तुम्हारे भाग्य के रखी है, तुम्हें वही काम करना है। ये सारी बातें जो है उसमें बोलता है ये कहानी में, ठीक है। तो लेखिका बड़ी बड़ी कहीं ना कहीं अपसेट होती है कि यार ये सब चीजें क्यों हो रही है, बहुत परपेचुअल स्टेट में रहते हैं। मैंने आपको बताया गाइस पूरे कहानी में यही आता है, दो चीजें मेन है, क्या कि फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस है। वो अलग रंग बिरंगे कलर्स को जो है एक हाथ की चूड़ी में बना देते हैं, वो रेनबोस के अलग अलग कलर को एक मेल्ड करके या जिस तरीके से करके वो जो है कांच को पिघला के मोड़ के एक बहुत ब्यूटीफुल क्या बनाते हैं, बैंगल बनाते हैं। ये क्या होता है, ये औरतों का सुहाग है। इस कहानी में वर्ड यूज कर रखा है सुहाग वर्ड, आप भी यूज कर सकते हो करम वर्ड, दो वर्ड हिंदी में यूज कर रखे हैं, आप इसको यूज कर सकते हो सुहाग एंड करम, ठीक है। तो ये जो है पूरी की पूरी फैमिली, हर दूसरी फैमिली जो है इसी में लगी हुई है। अब जब इतनी बड़ी चीज है तो भैया खुश होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात क्या है कि भैया ये लोग खुश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही दयनीय व्यवस्था में रहते हैं, बहुत ही बेकार व्यवस्था में रहते हैं, ठीक है। इनके पास प्रॉपर खाना नहीं है, इनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं है, ये सही से रह नहीं पाते। तो इतनी गंदी व्यवस्था रहने के बावजूद भी लोग काम लगे हुए हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन मैं मुकेश को बुला लेती हूँ, मुकेश से कहती हूँ ओ मुकेश यार तू ये काम छोड़ यार, बहुत ही बेकार काम है ये, ठीक है। मैं देख के आई तेरा घर, मैं सब कुछ देख के आई, तो बहुत ही बेकार काम है, तू इस काम को छोड़, तू कुछ और कर। तो मुकेश बहुत ही प्राउडली कहता है अरे मैम मैम मैं ये काम नहीं करूंगा। अच्छा फिर तू क्या करेगा? मैम आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। ये रोड देख रही हो आप, इस रोड पे जब कार जाती है तो उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे मन में भी यही है कि मैं भी एक दिन जो है कार चलाऊंगा, मैं जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। लेकिन आसपास मैं चेक करने के लिए पूछती हूँ, लेकिन आसपास तो कोई मोटर मैकेनिक की शॉप नहीं है। मैम है ना, बहुत दूर है। तो तू जाएगा कैसे? मैं पैदल जाऊंगा, मैं पैदल सीखूंगा, लेकिन मैं भी जो है कार चलाना चाहता हूँ, मैं भी जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। गाइस यहाँ पे जो एक बड़ी पॉजिटिव वर्ड मिला है, ठीक है, इसने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया है उस बच्चे ने, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड कि भैया आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टस दिखाया है यहाँ पे बच्चे को, एक उम्मीद के रूप में दिखाया गया है कि हाँ शायद बच्चे का बचपन शायद बच जाए, या हो सकता है वो जो है पहले मैच्योर हो चुका है, वो अपने सपने के बारे में सोच रहा है। तो लेखिका ऐसे ही चेक करने के लिए पूछती है कि कार क्यों, प्लेन क्यों नहीं? तो प्लेन चलाने के बारे में सोच। नहीं मैम, वो पहले सोचता है मुकेश कुछ पल के लिए, ठीक है, मैं पीछे आके बोलूंगा ताकि आप लोग जो है तसल्ली से देख सको, ठीक है। तो बोलता है नहीं मैम मैं जो है प्लेन नहीं चलाना चाहता। क्यों? तो प्लेन क्यों नहीं चलाना चाहता? आजी वो क्या है ना कि हमारे आसपास जो है ना प्लेन उड़ते ही नहीं है, इसलिए जो है मैं प्लेन चलाना नहीं चाहता, मैं कार चलाने में खुश हूं, ठीक है। दैट्स ऑल गाइज, ठीक है, यही था आपका चैप्टर। लेकिन अभी हमें जाना नहीं है, अभी हमें इस चैप्टर को एनालाइज करना है, दो तीन बातें हम और सीखेंगे, अभी हम लोग 15 मिनट और हैं। सबसे पहले मैं दोबारा आपको बता दूं क्या
कि थैंक यू सो मच आपने वीडियो देखा। अब आपने वीडियो देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, नो डाउट। आप जो है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए। फ्री वीडियोस हैं ये अभी, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए ताकि ये जो चीज है वो सब तक पहुंच सके। दूसरी बात, आप कमेंट कीजिए, आपके कोई भी डाउट होगा हम जो है यहाँ बैठे हुए हैं आपकी हेल्प के लिए। कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, और हमें हर जगह फॉलो कीजिए। आपके जितने भी साइंस स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए ना, तो RD001 डाल लो और ले लो अपना सब्सक्रिप्शन, ले लो जिंदगी के फायदे भाई साहब, ठीक है, डिस्काउंट के साथ। हिट द बेल आइकन गाइस, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस चैप्टर के मेन दो तीन चीजों की, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से गाइस, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को एनालाइज करते हैं एक बार। तो लेखिका जो है वो है अनीश जंग, जैसे आपको पता है। लेखिका ने ये कहानी, अब देखो पेपर में क्या आती है सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में जो है इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स और आरटीसी मिल जाएंगे, पार्ट थ्री में जो है इसके एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो बात करते हैं लेखिका की। तो लेखिका ने, इसका थीम क्या है, क्या प्लॉट है, क्या सोच के बनाई ये कहानी, मतलब ऑब्वियसली बात है रियल कहानी थी, लेकिन क्या सोच के जो है इन्होंने लिखी है बात, क्या कहना चाह रही है कहानी हमसे। ये कहना चाह रही है बचपन की बात, कि बच्चे जो है आज के टाइम पे अपना बचपन खो चुके हैं, ठीक है, ये बात होगी पहली बात, ठीक है, कि बच्चे जो अपना बचपन खो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जो गरीब हैं वो पेरेंट्स के साथ साथ जो है जिंदगी में पार्टिसिपेट करते हैं, पेरेंट्स के साथ साथ जो बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं जिंदगी जीने में, मीन्स ऑफ सर्वाइवल्स में, ठीक है, चिल्ड्रंस आल्सो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये पहली बात है कि बच्चे जो है बचपन खो चुके हैं, बच्चे जो है जबरदस्ती काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत मेन फोकस बात है वो इस बात पे बात कर रखी है कि ये जो कहीं ना कहीं बच्चों का या इन लोगों की गरीबी को दिखाता है, कि ये लोग बहुत गरीब हैं, ये लोग जो है अपनी जिंदगी को सही से जी नहीं पाते। आपने सुना होगा कि इस कहानी में जो बहुत ही हिट लाइन थी, दो तीन लाइन मुझे बड़ी हिट लगी थी, वो अगर मुकेश की बात करूं तो उसमें ये लाइन थी कि भैया जिंदगी में आज तक कभी पेट भर के खाना ही नहीं खाया। आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी लाइन है कि जिंदगी में आज तक कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, और जो स्टेटमेंट दी थी वो 45 या 50 साल का था। 50 साल की एज में कभी उसने पेट भर खाना नहीं खाया होगा, तो ऑब्वियसली बात है उससे पहले 50 साल पहले तो और गरीबी होगी, तो उस टाइम पे कैसे खा लेगी उनकी फैमिली ने। तो बहुत ही दयनीय स्थिति को दिखाता है। उसमें से कोई ये कहती है कि मैंने आज तक कभी प्रॉपर कपड़े नहीं पहने, ये भी दिखाता है उनके पास कपड़ों की कितनी कमी है, उनके पास खाने की कितनी कमी है। इवन ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर इनकी आई साइड वीक होनी ही होनी है, ठीक है। अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए, पार्ट वन की बात की जाए, तो वहां पर सबसे हिट लाइन जो मुझे लगी वो ये लगी कि भैया वो लोग जो है बिना चप्पलों के घूमते, ठीक है, उनके पास चप्पल है ही नहीं, गरीबी को दिखाता है, गर्मी हो सर्दी हो गांव हो शहर हो जहां भी हो वहां पे वो चप्पल में रहते हैं। दूसरा एक लाइन थी कि भैया औरतें कहती हैं कि हम अपना तंबू वहां गाड़ लेते हैं जहां पे हमें खाना मिलता है, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि इनके पास कोई घर नहीं है, ये वहां अपने तंबू गाड़ते हैं जहां पे इनको खाना मिलता है, जहां पे अगर खाना नहीं है, सो कोल से बोलते हैं खाना बदोश, खाने की तलाश में लोग घूमते रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही प्रिपिचुअल स्टेट दिखाए गए हैं गरीबी के। पहला पॉइंट क्या है कि बच्चों का बचपन खो चुका है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इस गरीबी की वजह से, सो कॉल कहीं ना कहीं मेन पॉइंट क्या है, गरीबी, इस गरीबी की वजह से जो है बच्चे अपना बचपन खो चुके हैं, बच्चे जो है काम करने पे मजबूर हैं, पेरेंट्स जो है प्रॉपर मील नहीं दे पा रहे, उनको न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, इसी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, ये होता है वो होता है, बताई चीजें, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए थीम की, ठीक है, तो क्यों थीम क्यों लिखा गया है, पेपर में कई बार क्या होता है, इवन मेरे टाइम पे भी हुआ था एक बार, कि एक आर्टिकल लिखने को दे देता है चाइल्ड लेबर के ऊपर, ठीक है। तो आप गाइस जब ये चैप्टर पढ़ें तो आप कुछ हिसाब से पढ़िएगा कि आप चाइल्ड लेबर के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो है बच्चों की कंडीशंस जो है, गरीब बच्चों की कंडीशन वो लिख सकते हो, आप पॉवर्टी के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी आती हैं जो आपको करनी चाहिए। इवन त्योहारों का समय है तो आप जो है कुछ गरीब लोगों के लिए, कुछ इन लोगों के लिए कुछ कीजिए, इनको एजुकेशन दीजिए, ठीक है। ये मैं सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी बातें जो एनसीईआरटी ने बोल रखा है कि आप क्या ठीक कर सकते हो इनके लिए, इनको एजुकेशन दीजिए, ठीक है, इनको जो है इस स्थिति से हटाइए, इनको न्यूट्रिशन दीजिए प्रॉपर, इनको प्रॉपर फैसिलिटीज दीजिए, इनको जो है इन बस्तियों से हटाइए, इन बस्तियों में सफाई रखिए, इवन सफाई का बहुत चलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको इस सारी चीजों में करना है, ठीक है। याद रखिएगा इस चैप्टर में मोटा मोटा अगर बताया जाए कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने से पहले लाइक भी कर दो यार, ठीक है। तो इस चैप्टर में मोटा मोटा जो है वो कहीं ना कहीं यही है कि साहिब आलम कौन था, गाइज लिखते रहिएगा, ठीक है, अगर आप सुन रहे हैं तो, या आपको पता होना चाहिए, अगर आप लिख नहीं रहे तो एटलीस्ट आप जो है सुन लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कि साहिब आलम कौन था और कैसे जो उसकी लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो जाती है एक रैक पीकर की लाइफ में। ठीक है, तो पहले मतलब रैक पीकर की लाइफ में चेंज हो जाती है, उसके बाद टर्निंग पॉइंट देखो आप कैसे रैक पीकर लाइफ में चेंज हो जाती है कि पहले वो वहां पे था बांग्लादेश में, फिर रैक पीकिंग करने लग गया, और कैसे रैक पीकर से वो एक टी स्टॉल में काम करने लग जाता है, तो उसकी लाइफ कैसे वहां पे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्ट वन में साहिब आलम के ऊपर पूरी कहानी घूम रही है। ठीक है, अब आप कहोगे सर फिर तो पार्ट टू में मुकेश के ऊपर घूम रही है, तो नहीं, टू में पूरी कहानी फिरोजाबाद के ऊपर घूम रही है, पूरी कहानी बैंगल मेकर्स के ऊपर घूम रही है, लेकिन इस कहानी में पूरी कहानी साहिब आलम के ऊपर घूम रही है। तो साहिब आलम कौन था, उसका कैरेक्टर क्या था, उसने कैसे अपनी लाइफ चेंज की। ठीक है, और वो जो बैग था ना जो उसे उठाया करता था, वो भले भारी बैग था लेकिन साहिब के लिए वो बैग हल्का क्यों था, और वो इसलिए जो बहुत हल्का था वो साहिब के लिए भारी क्यों था, क्यों, क्योंकि वो किसी और का था और ये खुद का था, तो खुद की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये बात थी पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो नो डाउट लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुर। ठीक है, सीमापुरी की लिविंग कंडीशंस बताने हैं, सीमापुरी के लैक पिकर्स की लिविंग कंडीशन बतानी है, बहुत बेकार रहते हैं वो लोग, ये सारी बातें आपको बतानी है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि लिविंग कंडीशन क्या है सीमापुरी में रहने वालों की। और बात की जाए तो आपको बताना है कि वो जो बिना चप्पलों के रहते हैं बेयरफुट जो है, ठीक है, वो क्या दिखाता है आपको, या वो सीन को बताइए बेयरफुट वाले सीन को। तो आपको वो बताना पड़ेगा कि भैया बहुत गरीब है, उनके पास चप्पलें नहीं है, किसी के पास चप्पल एज अ, उसने कहा ना कि मेरी चप्पल तार पे फेंकी हुई, इसका मतलब क्या है कि किसी के लिए चप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अच्छी चीज है कभी पहनेंगे, तो किसी के लिए चप्पल बहुत, किसी का सपना पूरा जाता है, आपको पता होगा साहिब आलम का सपना पूरा जाता है कि भैया मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया। ठीक है, उसकी वजह से, किसकी वजह से, जूतों की वजह से। तो ये अलग अलग बातें जो है आपको बतानी है, ठीक है, बेयरफुट के बारे में। और अगर बताया जाए सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, सीमापुरी जो है एक रैक पिकिंग का साधन है, कैसे आपको ये बताना है कि सीमापुरी में रहना है तो कूड़ा बिनना पड़ेगा, तो आपको वही चीज सेम कहानी है, कंडीशन बतानी है। और आपको बताया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर एडल्ट्स रैक पिकिंग इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, एंड फॉर चिल्ड्रन रैक पिकिंग इज अ रैप्ड इन वंडर, कि बड़ों के लिए ये एक जिंदगी जीने का साधन है और बच्चों के लिए ये एक माया जाल है। समझाइए कैसे, तो आपको जो है इस पे बात करना है कि कैसे भैया ये जो माया जाल है, मैं आपको बता दूं माया जाल कैसे, मैंने बताया था चैप्टर का नाम भी था सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, कि भैया कई बार जो है मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो माया जाल कैसे हुआ कि मुझे कुछ मिल गया, मुझे पैसे मिल गए तो मेरी उम्मीदें जग गई, ये जाली तो है माया का जाल। माया क्या होता है कि भैया जो छल हो, तो मेरे साथ छल होता है, ठीक है, कि भैया कभी मुझे कुछ मिल जाता है, कभी मुझे कुछ मिल जाता है, तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो बच्चों के लिए क्या है ये माया का जाल, नो डाउट खाना भी मिलता है इनको इससे, ठीक है, जिंदगी भी जी रहे हैं, खाना भी खा पा रहे हैं। आपको पता होगा साहिब आलम बात बोलता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से जो है हम लोग वहां पे खाना खा पाते थे, कहां पे, ढाका पे, ढाका कहां है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में बड़ी मुश्किल से हम खाना खा पाते थे, लेकिन एटलीस्ट यहां पे हम खाना तो खा पाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी। और आपको बताया जाए बड़ों के लिए जिंदगी जीने का साधन कैसे, क्योंकि बड़े तो ऑब्वियसली बात है वो माया जाल में नहीं घूमते, वो बस ये करते हैं कि उसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट मिल जाए और मैं जो है अपनी जिंदगी, अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, क्योंकि वहां पर बस पेट ही पाला जाता है। स्कूल नहीं है गाइस, ये भी बात होती है, स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, बच्चे के अंदर कितनी इच्छा थी, वो अनीस जंग से कितनी बार पूछता है कि स्कूल बना क्या, स्कूल बना क्या, तो बच्चा चाहता है कि स्कूल बने, मैं जो है पढ़ाई करूं, पर उनको जो है स्कूल नहीं मिल पाता, ठीक है, वो जो है उस कंडीशन में नहीं हो पाते कि वो स्कूल जा पाए। ठीक है, तो आपको इस पर भी बात करनी है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बताना है इस पार्ट वन में। अब अगर बात की जाए पार्ट टू की, कि पार्ट टू में क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूरी हैं, जो आपको करना है, ठीक है, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। पार्ट टू की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही है कि भैया डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद की जो लिविंग कंडीशन है या बैंगल मेकर्स की जो लिविंग कंडीशन है, आपको वो बतानी है। और देखिए ये ज्यादा खतरनाक है, क्यों, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चों की आंखें जो है खराब हो जाती हैं, ठीक है, और उनके पास खाने को नहीं है, गरीबी है, रहने को घर नहीं है, जानवर वहीं रह रहे हैं, गंदगी वहीं है, बीमारियां फैल जाती हैं, पेट की, स्किन की, नॉर्मल बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है, आसपास के लोगों को बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बोलनी है। और दूसरे कंडीशन की, दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो वही है कि फिरोजाबाद जो है किस चीज के लिए फेमस है। अब आपको कैसे बैंगल के लिए, तो ये तो एक नंबर का हो गया, लेकिन आपको और बताना पड़ेगा कि वो लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, वो लोग कांच को पिघला के कांच को जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, वो जो है अलग अलग रेनबो के कलर उसमें डालते हैं, ठीक है, और जो है वो जो बहुत सारे स्पाइरल आपको दिख जाएंगे हर गली मोहल्ले में, ठीक है, वो जो है औरतों का सुहाग बनाते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी फैमिली जनरेशन जो है इसी काम में लगी हुई है, यही काम करती रहती है, तो आपको ये सारी बातें बतानी है। और आपको क्या बताना है जी, आपका अगर एक क्वेश्चन आता है मुकेश के ऊपर कि भैया मुकेश का जो
एटीट्यूड था लाइफ को लेके, अपने बैंगल मेकिंग को लेके, वो क्या था तो आपको बताना। उसका एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव था, वो चाहता था कि मैं ये काम ना करूं, उसको पता है सारी चीजें, और अभी वो काम भले ही कर रहा है पर वो चाहता था कि भैया मैं कुछ और करूं। क्या करूं जी, मैं जो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, मैं कार चलाना चाहता हूं, ठीक है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। दूसरा आपको बताना पड़ेगा वीसीएस सर्कल के बारे में, जो वीसीएस सर्कल क्या था जी, मिडलमैन का, साहूकार का, पॉलिटिशियंस का, ये सारी बातें आपको भैया बतानी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो यही था आपका चैप्टर लॉ स्प्रिंग। अब पार्ट टू में गाइस हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट टू में हम लोग देखेंगे भैया इसके नो डाउट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, तो आप पार्ट टू जरूर देखिएगा। अच्छा एक बार दोबारा लास्ट में मैं आपको बता दूं, ठीक है, ताकि आप याद रखो, आपको इसका फायदा मिले। वो बात क्या है जी, हाँ जी वो यही है जी, क्या कि भैया लाइक वाइक कर दो, कमेंट मेंट कर दो, कोई दिक्कत हो हम अवेलेबल हैं आपके लिए, आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, आपके डाउट्स का रिप्लाई करेंगे, ठीक है, आप कमेंट्स के थ्रू हमें डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और दूसरा आप जो है इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं RD001, जो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान में लेने में फायदा देगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे पार्ट टू में, पार्ट टू का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तब तक के लिए क्या करना है आप लोगों को, जी हाँ, अच्छे अच्छे काम करने हैं, माँ बाप का बड़ा नाम करना है, और टिल देन डू व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, डू व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, और जी हां भारत माता, जय हिंद जय भारत गाइस।